हम लोग क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री और उसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। पहले हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में समझेंगे। इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री है, इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के रखा है, ये ट्रिगोनोमेट्री तीन शब्दों से अलग अलग मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गोन और तीसरा शब्द है मेट्रोन। मेट्रोन से बना हुआ है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री। गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब थ्री साइड्स मेजरमेंट से रिलेटेड जो पढ़ाई है उसको हम लोग कह रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में है, लेकिन जब इसका नाम हम हिंदी में देते हैं तो बड़ा गजब है। यहाँ इसका हिंदी में नाम है त्रिकोणमिति, और इसका अगर तीन भाग किया जाए तो ये बहुत मजेदार है। ये कहता है हिंदी वाला कि ये त्रि है पहला का, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। अब यहां त्रि का मतलब है थ्री, कोण का मतलब है एंगल और मिति का मतलब है मेजरमेंट। जहां इंग्लिश का ट्रिगोनोमेट्री कहता है कि ये थ्री साइड्स मेजरमेंट है, वहां हिंदी का त्रिकोणमिति कहता है ये थ्री एंगल मेजरमेंट है। गजब है। नाम है यहां पर ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से, तो इसका त्रिकोणमिति नाम नहीं होना चाहिए। इसका तो नाम होना चाहिए त्रिभुज मिति, क्योंकि भुजा है साइड से। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये साइड से रिलेटेड है, ये एंगल से रिलेटेड है, लेकिन वास्तव में जो ट्रिगोनोमेट्री है वो साइड्स और एंगल दोनों से रिलेटेड होते हैं। जो वास्तव में जो ट्रिगोनोमेट्री है ये जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है उसके बारे में, तो हमने कहा कि जहां पर ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो साइड्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में कहता है। त्रिकोणमिति जो है वो हिंदी का वो एंगल के मेजरमेंट के बारे में कहता है। तो वास्तव में जो ट्रिगोनोमेट्री है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो वास्तव में जो ट्रिगोनोमेट्री हुआ हमारा, ये रिलेशनशिप का स्टडी करता है जो ट्रायंगल का साइड्स है और एंगल्स है उसके बारे में है। जो हमको क्लास 10 में पढ़ना है वो स्पेशली हम एक ट्रायंगल जो जानते हैं, उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके साइड और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड है। राइट एंगल ट्रायंगल हम क्लास 10 में है, छोटे क्लास में है, इसलिए हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में उससे रिलेटेड करके ट्रिगोनोमेट्री को बताया गया है, सिखाया गया है। लेकिन वैसे होता ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? तो हम लोग ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो या राइट एंगल हो। तो द एंगल द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल द ट्रायंगल विच वन एंगल इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री।
rectangle which one angle is right angle is called right angle triangle. इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। इससे हम लोग पहले भी फेमिलियर है, पहले से इसको हम लोग जानते हैं। उसका अगर कहे कि एक फिगर बना दीजिए तो हम लोग छोटा सा इसका एक फिगर बना देते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर इसका मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। इसका एंगल बी है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल है। इसी के बारे में, इसी के एंगल साइड, इसके मेजरमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जो एंगल हमने यहाँ जो लिखा था कि ये साइड्स और एंगल का क्या है, साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप है। तो इसमें जो हमको एंगल लेना है वो एंगल लेना है सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि ये है, ये है, और एक 90 डिग्री का एंगल है, उसके बारे में पढ़ना है। मतलब 90 और लेस देन 90 डिग्री, वही एंगल हमारे पास रहेगा। तो साइड्स पढ़ेंगे वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ेंगे, और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो रिलेटेड है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें दो एंगल, एंगल सी और एंगल ए, ये दोनों के दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। ये दोनों के दोनों हमारे एक्यूट एंगल है। और इसी एक्यूट एंगल के लिए, एंगल सी के लिए, अब इसके साइड्स का रिलेशन इस एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए और एंगल ए के लिए हमको देखना है। तो अब पहले हमको ये पता करना है कि फॉर एंगल सी और एंगल सी, सी के लिए, सी से जो लगा हुआ साइड है उसको हम कहेंगे ये बेस है, और सी के अपोजिट में जो साइड है इसको हम लोग कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। और ये वाला जो है हाइपोटेनस है, ये ऑलवेज हाइपोटेनस हाइपोटेनस ही रहता है। रुकिए, एंगल सी के लिए बीसी हमारा क्या है, बेस। बीसी हमारा हो गया बेस। एबी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और एसी क्या हो गया, हाइपोटेनस। हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का सामने का जो साइड होता है वो ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। रही बात बेस और परपेंडिकुलर का, तो ये डिपेंड करेगा इस एक्यूट एंगल के ऊपर। एंगल सी के लिए, इस एंगल सी के लिए ये जो है बीसी बेस होगा और एबी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास तीन साइड है, एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है और एक हाइपोटेनस है। या यूं कहें कि हमारे पास तीन साइड है, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है। इसके जितने भी संभावित पॉसिबल रेशियो हो सकते हैं वो सब हमको लिखने हैं। संभावित रेशियो क्या क्या हो सकता है, जैसे एक ए बी का ए सी के साथ हो सकता है संभावित रेशियो, मतलब पॉसिबल रेशियोज में सारा लिख रहा हूं, पॉसिबल रेशियोज जितने हैं। पहला ए बी का ए सी के साथ एक ये हो सकता है, दूसरा बी सी का ए सी के साथ ये हो सकता है, तीसरा ए बी का बी सी के साथ हो सकता है, चौथा। अब यहां कोई कह रहा है कि बस तीन हो गया, अब तो होना नहीं चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि ए बी और बी सी का ए बी बाई बी सी ये रेशियो अलग होता है और बी सी बाई ए बी रेशियो अलग होता है, इसलिए एक और रेशियो इसका बनेगा बी सी बाई ए बी।
सिमिलरली ये भी तो बन सकता है फिर एसी बाई बीसी, और सिमिलरली एक और रेशियो बन सकता है एसी बाई एबी। मतलब यहां से जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर का अपोजिट ये हो गया, दूसरे का अपोजिट पांचवा नंबर हो गया, पहले का अपोजिट छठा नंबर हो गया। ये जो हमने जितने भी संभावित रेशियोज थे, जितने भी पॉसिबल रेशियोज थे, हमने सारे लिखे हैं। इस ट्रिगोनोमेट्री के जो तीन साइड है, इस तीनों साइड के जितने पॉसिबल रेशियोज थे हमने सारा लिखा है। अब मैं फॉर एंगल सी की बात कर रहा हूं, फॉर एंगल सी। अब ये ए बी बाई ए सी है, इसी को ए बी बाई ए सी को हम लोग कहते हैं कि ये है, इसका जितना भी रेशियो है इस रेशियो को एक नाम दिया गया है, जितने भी रेशियोज हैं इनका एक नाम दिया गया है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एंगल सी ए बी क्या है, इसका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब पी है, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस है। ऐसे इसके बारे में अगर कहा जाए तो इसका ये क्या बी है और ये बेस है और हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वाला बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये वाला एच बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस, और ये वाला एच बाई पी है। मतलब अगर ए बी को यहां पर मैंने लिखा ना कि ए बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए हम पी इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस के लिए बी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हाइपोटेनस के लिए एच इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्ट ए बी बाई ए सी पी बाई एच, क्योंकि ए बी हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, ए सी क्या था, हाइपोटेनस था। तो हम परपेंडिकुलर के लिए पी, हाइपोटेनस के लिए एच, और बेस के लिए बी इस्तेमाल करेंगे। जहां ए बी है वहां पर हमारा पी है, जहां बी सी है वहां बी है, और जहां ए सी है वहां एच है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि ये जो पी बी एच है वो फॉर एंगल सी है, एंगल सी के लिए है। अगर एंगल सी के लिए है तो अब इसका जो नामकरण होगा इस रेशियो का, इनका जो नोमेनक्लेचर है, नाम है, वो क्या है, इसका जो पी बाई एच जो रेशियो है इसका नाम है साइन, एस आई एन ई, साइन ऑफ एंगल सी, एंगल सी के लिए है। इसका नाम है जो बेस और हाइपोटेनस का, इसका नाम है कोसाइन, सी ओ एस आई एन ई, कोसाइन ऑफ एंगल सी। और जो परपेंडिकुलर और बेस का है इसका नाम है टेंजेंट, टी ए एन जी ई एन टी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी। ऐसे ही इसका नाम है कोटेंजेंट, सी ओ टी ए एन जी ई एन टी, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। और इसका नाम है सेकेंड, एस ई सी ए एन टी, सेकेंड ऑफ एंगल सी। और इसका नाम है को सेकेंड ऑफ एंगल सी। और इसी को, जो इतना बड़ा नाम है, इसी नाम को इन ब्रीफ, मतलब संक्षेप में हम लोग ऐसे लिखें, साइन ऑफ एंगल सी, इतना नहीं लिखना है, इसके जगह पर लिखना है सिंपली साइन सी, इसको लिखना है कॉस सी, इसको लिखना है टेन सी, इसको कॉट सी, इसको सेक सी, और इसको कॉसेक सी। ये हो गया फॉर एंगल सी। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग फॉर एंगल सी के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाला था, अब हम लोग फॉर एंगल ए के लिए निकालेंगे। तो एंगल ए के लिए, एंगल ए से जो लगा हुआ साइड है दैट इज ए बी, वो कहलाएगा एंगल ए के लिए बेस, और जो इसके अपोजिट साइड है बी सी, ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, और जो ए सी है वो ऑलवेज हाइपोटेनस रहता है, तो ये हाइपोटेनस ही रहेगा। ठीक है, अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए निकाल रहे हैं, एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए, एंगल, अब जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे रेशियोज लिखने हैं।
जैसे एक हो गया BC बाई AC, BC बाई AC, AB बाई AC, BC बाई AB, AB बाई BC, AC बाई AB, AC बाई BC, जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे हमने लिख दिया हुआ है। अब इसके लिए ये जो BC है वो परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो गया। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परपेंडिकुलर जो अपन हाइपोटेनस रेशियो होता है उसका नाम साइन दिया जाता है, लेकिन ये चूंकि एंगल ए के लिए है इसीलिए इसका नाम है साइन ऑफ एंगल ए और इसका एब्रिविएशन है साइन ए। ऐसे ही बी बाई एच को साइन ऑफ एंगल ए कॉस ए, पी बाई बी टेंजेंट ऑफ एंगल ए टैन ए, बी बाई पी को टेंजेंट ऑफ एंगल ए कॉट बी कॉट ए, एच बाई बी सेकेंट ऑफ एंगल ए सेक ए, एच बाई पी को सेकेंट ऑफ एंगल ए कॉसेक ए। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको कैसे याद रखा जाए। तो याद रखने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है हाउ टू मेमोराइज के लिए, कि आपको ऐसे याद रखना है PBP मीन्स पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, और एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये पी बाई एच जो पहला बनता है वो साइन का हो गया, बी बाई एच जो रेशियो है वो कॉस का है, और पी बाई बी जो रेशियो है वो टैन का है। और इसका उल्टा अगर कर दे कि बी बाई पी कॉट का, एच बाई बी सेक का, और एच बाई पी कॉसेक का हो जाएगा। इसको दूसरे भी तरीके से याद रख सकते हैं, एक और तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगेन पी बाई एच साइन हो गया, बी बाई एच कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट से कॉसेक हो गया, ऐसे हो गया। अब इसको याद करना है एकदम ऐसे ही सीरियल वाइज, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक, इसको 10 बार बोलना है, एकदम फ्लुएंट में याद हो जाना चाहिए, वैसे याद हो जाना है जैसे जबान पर गाली लोगों को याद रहता है। अब आगे आते हैं, यहाँ पर एक हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं आप लोगों को एक चीज़ बताने के लिए। मान लिया एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसका ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये इक्वल है, इट मीन्स ये 45 डिग्री का होगा। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि एंगल जब सेम रहता है तो उसका साइड इक्वल होता है अपोजिट साइड, या साइड अगर इक्वल हो तो उसका एंगल जो अपोजिट होता है वो इक्वल होता है। तो 2-2 सेंटीमीटर का लिया, अगर मैं 5-5 लूँ तो भी ये 45-45 का ही होगा। और इसके हिसाब से लेकिन इनका हाइपोटेनस बदलेगा, इसका हाइपोटेनस बदलेगा, और यहाँ पर हमने इसका हाइपोटेनस निकाला है AC, जो कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर सब लोग जानते हैं, तो 4 4 8 2 रूट 2 हो जाएगा, ये इसका हाइपोटेनस हो जाएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है 2 रूट 2। इसी प्रकार इसका जब निकालेंगे इधर तो इसका आएगा 5 रूट 2 हाइपोटेनस PR इसका 5 रूट 2। अगर मैं इस एंगल के लिए 45 के लिए इसका साइन 45 निकालूं तो इस एंगल के लिए 45 डिग्री वाले के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, मतलब AB बाई AC होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो AB हमारा 2 और ये बाई में 2/√2, इसको काट देंगे 1/√2। कॉस निकालेंगे तो ये बेस और ये इसका हाइपोटेनस है, तो 2/√2, ऐसे 1/√2 होगा। टेन अगर निकालूंगा तो ये है इसका परपेंडिकुलर, ये है बेस PYB, तो PYB के हिसाब से 2/2 1 होगा। लेकिन अगर ये साइड का लेंथ यहाँ बदल गया, फिर मैं साइन 45 कॉस 45 टेन 45 इसके लिए निकाला, इसमें भी सेम निकला 1/√2 1/√2 1/1, मतलब कहने का ये है, नोट में मैंने लिख दिया है कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक है ये TRIC, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डोंट वेरी, बदलता नहीं है विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड के बदलने से जो वैल्यू है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का किसी भी विशेष एंगल के लिए वो नहीं बदलता है। मतलब कहने का कि सभी ट्रायंगल के लिए अगर एंगल समान है, साइड कितना भी है, लेकिन उसका रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, ये है इसका मतलब कहने का। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मैं यहाँ पर थीटा है,
ये एंगल हमने अल्फा दे दिया, मतलब कहने का कि जहां हम एंगल सी लिख रहे थे या एंगल ए बी लिख रहे थे, उसके जगह पर अगर मैं कुछ एंगल का मेजरमेंट दे दूं, जैसे थीटा दे दूं, तो मैं इसको इसके लिए इस एंगल के लिए साइन सी या कॉस सी के जगह पर साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इस फिगर में देखूँ, साइन थीटा अगर हमको निकालना है तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो ए बी बाई ए सी होगा। लेकिन अगर साइन अल्फ़ा के लिए निकालना है, इस एंगल को हमने अल्फ़ा दिया है नाम, अल्फ़ा मेजरमेंट है इसका, तो अगर साइन अल्फ़ा निकालना है तो इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ए सी जो है वो इसका हाइपोटेनस होगा। तो हम कहेंगे कि ये बी सी बाई ए सी है, बी सी बाई ए सी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन पर आप एक चीज़ जान जाइए, अगर हमारे पास कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक दिया हुआ है तो हम बाकी के पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। इफ़ वी हैव गिवन वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वी कैन फाइंड अदर फाइव ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो गिवन है टेन ए इक्वल फोर बाई थ्री, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेन ए दिया हुआ है जिसका वैल्यू फोर बाई थ्री है, हमको फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब पांच और जो है वो निकालने हैं। अब जरा सोचिए, टेन ए फोर बाई थ्री गिवन है, हम जानते हैं जो टेन ए होता है वो पी बाई बी होता है, पीछे से हम लोग याद किए हुए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी बाई बी होता है टेन ए, इसका मतलब पी बाई बी इक्वल फोर बाई थ्री है। अब ये तो एक रेशियो है ना, ये रेशियो है, मतलब फोर इज टू थ्री है, इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि पी इज टू बी इक्वल फोर इज टू थ्री, ये रेशियो है। और जब भी रेशियो होता है और पी का अगर हमको वैल्यू लिखना है तो पी इक्वल फोर नहीं लिख सकते, बी इक्वल थ्री नहीं लिख सकते, हम इसमें कोई ना कोई एक मल्टीपल से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीपल से पी और बी का वैल्यू निकालने के लिए। तो मान लिया कि पी हमारा फोर के है और बी हमारा थ्री के है। अब पी और बी अगर मालूम हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पर एक फिगर बना दिया है, इस एंगल, ये हमारा ए एंगल है, ये बी हमको इसको 90 डिग्री दे दिए और ये सी एक एक्यूट एंगल है, हमको तो टेन ए दिया हुआ है, मतलब इस एंगल के लिए दिया हुआ है, इस एंगल के लिए हमको मालूम है कि इसमें जो लगी हुई साइड है वो बेस होगा, इसके अपोजिट जो साइड है वो पी होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनस होता ही है। अब आते हैं, पी को हमने फोर के माना, बी को थ्री के माना, एच अगर हमको निकालना है तो ये हमको पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस इक्वल रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने पी का वैल्यू डाला, बी का वैल्यू डाला, स्क्वायर किया, ऐड किया, एच का वैल्यू हमारा फाइव किया गया। अब अगर हमको साइन कॉस कॉट सेक कोसेक, ये पांच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रह गए हैं, उसी का वैल्यू निकालना है, क्योंकि टेन ए तो हमको पहले से मालूम है, ऑलरेडी हम जानते हैं, इसको तो जान ही रहे हैं। अब आते हैं हम लोग साइन ए, तो हमको मालूम है कि पी बाई एच होता है, और यहाँ फिगर में इसके लिए पी हमारा बी सी है, तो बी सी का वैल्यू हमारा कितना आया है, तो बी सी का जो वैल्यू जो हमारा पी का वैल्यू है वही है फोर के, तो इसमें फोर के, और एच का वैल्यू हमारा कितना है फाइव के, तो ये फाइव के से के गया फोर बाई फाइव, ये साइन ए का वैल्यू हो गया। ऐसे ही कॉस ए का निकाल सकते हैं बी बाई एच से, बी का वैल्यू हमारा है, एच का वैल्यू हम निकाले हुए हैं, दोनों को डाल दिया निकल गया थ्री बाई फाइव। कॉटे का वैल्यू निकाल लिए, सेक ए का, कॉस ए के का, ऐसे ही हम सबका इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पर, इसको आप कैसे समझेंगे, कैसे वैल्यूज हैं, तो हमको मालूम है कि एक यहाँ पर फिगर, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया जाए, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये वाला यहाँ पर राइट एंगल है बी पर, अगर मैं बात करूँ तो ये पी है, ये बी है और एच है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है, ये सामने वाला हाइपोटेनस सबसे बड़ी, इसका सबसे बड़ा साइड है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस जो है वो पी से भी बड़ा है और ये बी से भी बड़ा है, ये तो हम लोग जानते हैं निश्चित रूप से। पी और बी में कोई भी बड़ा हो सकता है, पी हो सकता है बी से बड़ा या बी हो सकता है
पी से बड़ा, इसलिए इसमें नहीं कहा जा सकता कि ये कौन, लेकिन हाइपोटेनस निश्चित रूप से पी से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है। अब अगर मैं बात करूँ साइन थीटा का, यहाँ पर आइए, ये साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच, तो पी बाई एच इसका मतलब पी जो न्यूमरेटर में है वो छोटा है और हाइपोटेनस हमारा बड़ा है। तो वैसा कोई सा भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो वो ऑलवेज वन से लेस होता है, मतलब छोटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा की जितना भी वैल्यू होगा सब वन से छोटा होगा। ऐसे ही सिमिलरली कॉस थीटा का जितना भी वैल्यू होगा वो वन से छोटा होगा, क्योंकि इसमें भी बेस हाइपोटेनस से छोटा है, मीन्स न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसीलिए ये जो फ्रैक्शन बनेगा ये भी एक से छोटा होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा वन से छोटा होगा, इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं। ऐसे अगर मैं टैन की बात करूँ तो टैन वाले में जो पी और बी आता है पी बाई बी, अब इस वाले में पी और बी में कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, मतलब कि ये जो फ्रैक्शन है ये एक से बड़ा भी हो सकता है एक से छोटा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसमें पी और बी, क्योंकि कहना मुश्किल है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है, हो सकता है दोनों इक्वल भी हो, इसलिए इसका जो वैल्यू होगा वो कहीं से कहीं हो सकता है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कॉट थीटा का भी है, क्योंकि इसका होता है बी बाई पी। लेकिन सेक थीटा की अगर बात करें तो सेक थीटा में एच बाई बी, अब एच हमेशा बड़ा है तो ये हमेशा ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है डिनोमिनेटर इसका छोटा है। ये चीज़ कौशिक में लागू होगा, जैसे सेक में लागू हुआ वैसे कौशिक में भी लागू होगा, क्योंकि ये एच बाई पी होता है, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसके वैल्यू के ऊपर। तो वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है, मैंने एक नंबर लाइन यहाँ पर बनाया है, जो है इसको आप कह सकते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन में यहाँ बीच में जीरो है, मैंने इधर माइनस वन इंडिकेट किया है और इधर एक प्लस वन इंडिकेट किया है। वैसे आप लोगों को जीरो से आगे पढ़ना है, केवल पॉजिटिव वाले पढ़ने हैं, क्योंकि एंगल 90 तक ही पढ़ना है, लेकिन हमने सारे का लिख दिया है। साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा माइनस वन और वन के बीच में होगा, मतलब वन से छोटा होगा और माइनस वन से बड़ा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। साइन और कॉस का वैल्यू, टैन और कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है, और सेक और कौशेक का वैल्यू, ये सेक और कौशेक का वैल्यू वन से हमेशा बड़ा होगा, वन से लेके इन्फिनिटिव तक, ठीक है, और माइनस वन से हमेशा छोटा होगा, मतलब माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटिव तक। इसको हम यहाँ पर एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने लिखा है साइन और कॉस का वैल्यू माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा है, टैन और कॉट का वैल्यू माइनस इन्फिनिटिव से बड़ा और इन्फिनिटिव से छोटा है, और सेक और कौशेक का वैल्यू, सेक का जो वैल्यू है वो माइनस वन से छोटा है और वन से बड़ा है, मतलब सेक और कौशेक का वैल्यू इतना दूर में वन और माइनस वन के बीच में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता सेक और कौशेक का वैल्यू इसके इसके बीच में, मतलब पूरा नंबर लाइन में यहाँ से इधर हो सकता है वैल्यू सेक और कौशेक का, यहाँ से इधर हो सकता है इसका वैल्यू, लेकिन इस बीच में नहीं आ सकता कभी माइनस और वन के बीच में किसका वैल्यू, सेक का वैल्यू। ओके, ये हो गया वैल्यू की बात। अब आते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अगर कोई कहे साइन ए, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, साइन ए मीन्स इसका मीनिंग साइन ऑफ एंगल ए होता है, करेक्ट है, साइन ए का मतलब साइन ऑफ एंगल ए होता है, लेकिन साइन ए डजंट मीन साइन प्रोडक्ट ए, मतलब साइन इंटू ए नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे पढ़े हुए हैं कि 4x 4 इंटू एक्स होता है, तो ऐसे पढ़ लेंगे कि साइन ए साइन इंटू ए, नहीं ये गलत है, ये साइन इंटू ए नहीं होता है, जो होता है वो क्या होता है साइन ऑफ एंगल ए होता है, मीन्स साइन ए पूरा का पूरा एक ही चीज़ है, ये साइन अलग और ए अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अकेला साइन का कोई मीनिंग नहीं है जब तक उसके साथ एंगल ना हो। ओके,